अगली खबर में बात करते हैं इंदौर की, जहां हीरानगर में सांसी गैंग के चोरों ने फिर एक शादी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये शादी इंदौर के ही एक रेस्टोरेंट संचालक की बहन की थी। बच्चा चोर यहां से लाखों के जेवर सहित नकदी लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामले में 7 दिन तक गार्डन के बाहर के फुटेज तलाशे। मंगलवार को इस मामले में आरोपियों की जानकारी लगी तो पुलिस ने मंगलवार को केस दर्ज कर लिया। हीरानगर के आनंद मिलन गार्डन से नाबालिग सहित 3 चोरों ने यह चोरी की। बताया जाता है कि यहां 15 नवंबर को रजिंदर कौर की शादी का रिसेप्शन था। रजिंदर इंदौर के ही रेस्टोरेंट संचालक योगेंद्र सिंह पुनिया की बहन है। चोर इनके यहां से सोने चांदी के जेवर और नकदी सहित करीब 4.5 लाख रुपए का सामान ले गए। ये सभी सामान स्टेज पर सोफे पर एक बैग में रखा हुआ था। मौका पाकर नाबालिग ये सभी सामान अपने साथ लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में मंगलवार को केस दर्ज किया। योगेंद्र सिंह ने बताया कि वह रेस्टोरेंट का संचालक करते हैं। उनकी बहन की बारात इंदौर में ही भनवर कुआं से आई थी। करीब आधे घंटे बाद उनके परिवार की महिला की बैग पर नजर गई तो वह सोफे पर नहीं था। इसके बाद काफी देर तक इधर उधर उसे ढूंढा। बाद में वीडियो फुटेज देखे जिसमें एक नाबालिग के साथ 2 युवक शादी के बैग ले जाते दिखाई दिए। इसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत हीरानगर पुलिस को कर दी थी। इस मामले में TI दिलीप पुरी ने थाने की खुफिया को लगाया जिसमें जवान टोल नाके और आसपास के CCTV ढूंढते रहे, लेकिन आरोपियों के आगे की लिंक नहीं मिली। बाद में अफसरों ने बात कर मामले में कार्यवाही की गई। पुलिस को राजगढ़ ब्यावरा की सांसी गैंग पर शंका है। एक टीम आरोपियों की तलाश में बाहर भी भेजी गई है। पिछले बुधवार को जलसा गार्डन में ही बलेनो कार से आई महिलाओं ने मंजीत सिंह सलूजा के यहां शादी में वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस को CCTV फुटेज मिले थे जिसमें 2 महिलाएं शादी में शामिल होकर बैग ले जाते दिखाई दी थी। पुलिस ने उनकी कार के और फोटोज निकाले थे, लेकिन आरोपी महिलाओं की जानकारी नहीं लग पाई थी।